अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो ये है कि 4 पावर x + 16 इज इक्वल टू x पावर x। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं x x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 4 पावर x + 16, इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि एक्स पावर ए डॉट एक्स पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए प्लस बी। इसका मतलब यह है कि अगर सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है और इन दोनों के पावर्स को ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पर 4 पावर x + 16 है, इस फॉर्म में है और इसी फॉर्म में स्प्लिट कर लेते हैं। यहाँ पर एक बेस है तो बेस दो हो जाएंगे और ये पावर भी स्प्लिट हो जाएंगे, तो यह हो जाएगा 4 पावर x डॉट 4 पावर 16। इस रूल के मुताबिक एक ही बेस लिखकर पावर ऐड करके वही बन जाएगा इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं 4 पावर x से। यहाँ पर डिवाइड बाई 4 पावर x, यहाँ पर भी डिवाइड बाई 4 पावर x। तो ये 4 पावर x, ये 4 पावर x कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर रह जाएगा 4 पावर 16 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी एक रूल यूज हो रहा है, वो यह है कि एक्स बाई वाई होल पावर ए हो तो ये पावर जो है ये दोनों की प्रोबेबिलिटी है, यानी एक्स पावर ए डिवाइड बाई वाई पावर ए। अब यहाँ पर पावर एक्स है, यहाँ पर पावर एक्स है, तो ये पावर जो है होल में हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स बाई 4 होल पावर x। ठीक है, तो फिर पावर को डिवाइड बाई 4 कर लेते हैं बोथ साइड, यहाँ पर डिवाइड बाई 4, यहाँ पर डिवाइड बाई 4। तो ये 4 1 4 4 4 16, यहाँ पर रह जाएगा 4 पावर 4 इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स बाई 4 होल पावर x/4। अब हमारे पास एक और लॉ है, वो ये है कि ए पावर ए इज इक्वल टू बी पावर बी, यानी यहाँ पर जो बेस हो इनके ऊपर पावर वही हो और यहाँ पर जो बेस हो इनके ऊपर भी पावर वही हो। तो इस सूरत में हम लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब यहाँ पर बेस 4 है, पावर 4, यहाँ पर बेस x बाई 4, पावर x बाई 4, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स बाई 4। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 4 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू एक्स। सो ये रहा हमारा रिजल्ट जो कि हमने फाइंड आउट करना था। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई रिजल्ट ठीक है या गलत, तो मेन प्रॉब्लम में एक्स की जगह 16 पुट करके अगर ये आपस में सेम आ गए तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। देखो चेकिंग, 4 पावर x + 16, तो x की जगह 16 प्लस ये वाला 16 इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स, यानी 16 पावर 16, ठीक हो गया। अब देखो ये हो जाएगा 4 पावर 16 + 16 32 इज इक्वल टू, यहाँ पर
बेस 16 है, तो इस 16 की जगह मैं लिख लेता हूँ 4 पावर 2, ये 16 के इक्वल हो जाएगा, और होल पावर में क्या है, ये वाला 16। ठीक है, अब हमारे पास एक और लॉ है, वो यह है कि एक्स पावर ए होल पावर बी हो इज इक्वल टू एक्स पावर ए एंड बी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं, तो ये तो हो जाएगा 4 पावर 32 इज इक्वल टू, इस रूल के मुताबिक ये एक ही बेस हो जाएगा 4, और ये दोनों पावर प्रोडक्ट करके 216 हो जाएगा 32। अब देखो आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x इज इक्वल टू 16 ये 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।